सारी रात जागी ना सोई वे तेरी मोहब्बत सताया वे सारी रात जागी ना सोई वे गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं हूं विपिन। नया दिन, नई शुरुआत, और इस टाइम हूं मैं श्रीनगर। भाई साहब बीच में मैं घर पे भी गया हुआ था, बट घर से वापस आ चुके हैं हम फिर से, और अब है हम श्रीनगर में। और भाई थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मैं हूं बीमार, मेरे को जुकाम लगा हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा बोलने में भी तकलीफ सी हो रही है, बट ठीक है, मेडिसिन वगैरह लिए हम ठीक हो जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। बड़े दिनों के बाद हम ये व्लॉग शुरू करने वाले हैं, जो कल का ना आज ही शुरू कर देते हैं व्लॉग को, और आपको बताते हैं कि अब यहाँ का मौसम कैसा है। तो भाई साहब श्रीनगर में हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा ठंड इस टाइम। टेम्परेचर 5-6 डिग्री के आसपास पहुंच चुका होगा। मैं रात में तो ठंड ज़्यादा हो जाती है, दिन में बाहर जाएं थोड़ी धूप होती है राह मिलता है, नहीं तो एक बार यहाँ पे स्नोफॉल भी हो चुका है। फर्स्ट टाइम अक्टूबर में यहाँ पे स्नोफॉल हो चुका है। अक्टूबर में मैक्सिमम होता नहीं है, पिछली बार दिसंबर में हुआ था स्नोफॉल श्रीनगर में, बट इस बार अक्टूबर में ही स्नोफॉल हो गया। और जब बारिश पड़ती है तो ठंड भी ज़्यादा, सोच लो यहाँ पे जब स्नोफॉल स्टार्ट हो गया ठंड कितनी बढ़ गई होगी। इस बारी करते हैं इस ब्लॉग को शुरू लेके प्रभु जी का नाम, जय भोलेनाथ। चलो बने रहो हमारे साथ। तो वैसे अभी जा रहा हूँ मैं ड्यूटी, क्योंकि कल गया था घर पे, गया उसकी वजह से बड़े दिनों से गया नहीं था, और कल तो ऐसे सैटरडे और संडे है तो फिर छुट्टी होगी, तो फिर जाऊँगा नहीं। तो चलते हैं पहले ड्यूटी देख के आते हैं। सबसे पहले सामान उठा लेते हैं जो मेरे को साथ में लेना है। लेना क्या है, बस एक मास्क और ताला कहाँ पे पड़ा हुआ, ताला लगा लेते हैं दरवाजे को, दरवाजा बंद करते हैं फिर निकल जाते हैं सीधा। ये मिल गया हमारा ताला भी, और कुछ हमें चाहिए नहीं, और कुछ भी हम नहीं लेंगे साथ में। यहाँ का मौसम देख सकते हैं अभी है आज भाग दो, बट अभी सुबह का मौसम है तो यहाँ पे अभी भी ठंड है, और मौसम एकदम मस्त है। बस जब बर्फ़ पड़ती है ना तब यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता है, यहाँ पे सरवाइव करना तब मुश्किल होता है, बट अभी ठीक है, इतना हम झेल सकते हैं। पर इस मौसम में मज़ा भी आता है, सोने का भी रास। मोहब्बत सताया वे सारी रात जागी ना सोई वे तेरी मोहब्बत सताया वे सारी रात जागी ना सोई वे मॉर्निंग दोस्तों, आज है दूसरा दिन और अभी सोया हुआ उठा, क्या करेंगे आज खुद भी नहीं पता। कल मैं व्लॉग इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाया था, बुखार भाई, जैसे मैं ड्यूटी से आया तो मेडिसिन खा के उसके बाद सो गया। अब काम करते हैं, सबसे पहले उठ के फ्रेश होते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करते हैं, उसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। I was young and I'm old, still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night for sorrow. What do we do to love? What do we do to love? ये हो चुका है हमारा ब्रंच तैयार, ये देख सकते हो चावल प्लस चिकन। जब मैं नहा नुह के फ्रेश होके सुबह गया बाहर लेके आया, ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं था तो समझ लो ब्रेकफास्ट ही अभी ये मेरा, खा लेते हैं और फिर उसके बाद हम आपसे बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा दूसरा दिन, जिसपे भी सोया हुआ उठा, दूसरा नहीं एक्चुअली तीसरा दिन है ब्लॉग का। कल जब लंच वगैरह किया तो उसके बाद मेरा फोन हो गया था स्विच ऑफ, और भाई रात को लाइट आई थी कोई 9-10 बजे, उसके बाद मैं ब्लॉग कर नहीं पाया और कोई बात भी नहीं कर पाया आपसे, सोचा कल सुबह फोन चार्ज करके आपसे बात कर लेंगे। तो आज का हमारा जो काम रहेगा, मेरे को रूम साफ करना है, रूम में बहुत गंद हुआ है खास, अभी उठूंगा फ्रेश व्रुश होऊंगा। आज थोड़ी तबीयत भी ठीक है पहले से, तो ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है, हमने रात को ही बना के रखा हुआ था तो वो बचा हुआ है, तो हम ब्रेकफास्ट वही कर लेंगे सुबह, उसको गर्म करके। गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड, उम्मीद करता हूँ कोई ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।